100 नहीं 110 शतक लगाएंगे किंग कोहली, इसके लिए उन्हें करना होगा सिर्फ ये काम। कोहली को एक दिग्गज क्रिकेटर ने दी विराट सलाह, कहा अभी और 8 साल खेल सकते हो पर यह करना होगा। ऐसा हुआ तो 42 की उम्र तक खेलेंगे विराट कोहली, 110 शतक लगाकर ही करेंगे संन्यास का ऐलान। मार्च का ये महीना भारतीय क्रिकेट फैंस के लिए काफी अच्छा रहा है, क्योंकि इस महीने ने इंडियन क्रिकेट फैंस को कई सारी सौगातें दी हैं। इसी महीने भारतीय टीम ने लगातार चौथी बार बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जीतकर इतिहास रचा, वहीं वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में भी अपनी जगह पक्की कर ली। इन सबके अलावा अगर फैंस की बात करें तो फैंस जिस पल को लेकर सबसे ज्यादा उत्साहित दिखे थे वो था विराट कोहली द्वारा अहमदाबाद में खेली गई 86 रनों की पारी। आपको बता दें, करीब 3 साल रनों के सूखे से जूझने के बाद उन्होंने पिछले साल सितंबर में T20 में पहला शतक ठोका था, फिर वनडे में वापसी की और अब बीते दिनों 2019 के बाद टेस्ट में भी पहला शतक ठोका। अब फैंस एक बार फिर से कोहली को लेकर अपने पुराने अवतार में देखकर काफी खुश हैं। कोहली भी फॉर्म में वापस आकर काफी रिलैक्स दिख रहे हैं और अब वो एक नए उत्साह और नए जुनून के साथ मैदान में खेलते हुए नजर आते हैं। पिछले दिनों अहमदाबाद में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेली गई शतकीय पारी से वो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 75 शतक लगाने वाले दूसरे क्रिकेटर बन गए। अब उनसे आगे सिर्फ ग्रेट सचिन तेंदुलकर ही रह गए हैं जिन्होंने 100 शतक लगाए हैं। ऐसे में फैंस के बीच फिर से ये चर्चा शुरू हो गई है कि क्या विराट कोहली शतकों का शतक लगा पाएंगे। हालांकि इन सबके बीच उन्हें एक दिग्गज क्रिकेटर से सलाह मिली है। उन्होंने बताया कि अगर विराट कोहली ये काम कर ले तो वो 100 नहीं बल्कि 110 शतक लगा सकते हैं। वो क्रिकेटर कोई और नहीं बल्कि अपने जमाने के सबसे तेज गेंदबाज रहे शोएब अख्तर हैं। विराट कोहली को दिग्गज तेज गेंदबाज शोएब अख्तर से सलाह मिली है कि अगर उन्हें सचिन तेंदुलकर के सबसे ज्यादा 100 इंटरनेशनल शतक के रिकॉर्ड को तोड़ना है तो उन्हें T20 क्रिकेट छोड़ना होगा। पाकिस्तानी गेंदबाज का कहना है कि कोहली 110 शतक जड़ सकते हैं और इसके लिए उन्हें सिर्फ टेस्ट और वनडे क्रिकेट पर फोकस करना चाहिए। इस पुस्तक से बातचीत करते हुए पाकिस्तानी दिग्गज ने कहा, T20 क्रिकेट उनकी बहुत एनर्जी निकाल देता है। वो कोहली अभी 6 से 8 साल यानी 42 की उम्र तक खेल सकता है और ऐसे में अगर वो 30 से 50 टेस्ट और खेल जाते हैं तो उन्हें उसमें 25 शतक और जोड़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी। कोहली पर अब कप्तानी का बोझ नहीं है, वो मानसिक रूप से भी फ्री है और काफी आक्रामक होकर रन ठोक रहे हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट में शतकों का शतक वो एवरेस्ट है जिसे अब तक सिर्फ एक ही शतक फिर छुपाया है। ऐसे में ये उपलब्धि हासिल करना किसी भी खिलाड़ी के लिए सपना पूरा करने के बराबर होगी और सही मायनों में कहा जाए तो अपने बुरे दौर से गुजरने के बाद विराट कोहली एक बार फिर से अपने मिशन की ओर चल पड़े हैं। विराट कोहली ने अगस्त 2019 के बाद पहला वनडे शतक 10 दिसंबर 2022 को बांग्लादेश के खिलाफ जड़ा था। विराट कोहली ने साल 2022 का अंत जहां से किया 2023 की शुरुआत भी वहीं से की, यानी साल के पहले ही मैच में श्रीलंका के खिलाफ गुवाहाटी में शतक जमाया। एक मैच के बाद उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ फिर से शतक ठोक दिया। उन्होंने 110 गेंदों पर नाबाद 166 रन बना दिए। 8 छक्कों और 13 चौकों से सजी यह पारी इतनी जबरदस्त थी कि फैंस और समीक्षकों को सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड एक बार फिर से खतरे में दिखने लगा। इस शतक के बाद से ही लोग कहने लगे थे कि कोहली ने जिस अंदाज में वनडे और T20 में शतक बनाने का फॉर्मूला दोबारा खोज लिया है उससे जाहिर है कि टेस्ट क्रिकेट में शतकीय पारी भी ज्यादा दूर नहीं है। और हुआ भी कुछ यही, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में विराट ने अपने टेस्ट क्रिकेट का 28वां शतक ठोक दिया। अब विराट कोहली खुद भी अपनी बल्लेबाजी से खुश दिख रहे हैं और 100 शतकों की उम्मीद का शोर विराट कोहली तक पहुंच रहा है, लेकिन वो अपने आप को काम एंड कंपोज रखना चाहते हैं। वो कहते हैं, मैं अच्छा स्कोर बना रहा था लेकिन अगर आप मुझसे पूछें कि क्या मैं खुश था तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। मैं अपनी टीम के लिए पूरी क्षमता के हिसाब से परफॉर्म करने में गर्व महसूस करता हूं। मैं निश्चित तौर पर ऐसा नहीं कर पा रहा था, मैं बड़ा स्कोर बनाना चाहता था, मैं रन तो बना रहा था लेकिन उस तरह का इम्पैक्ट नहीं डाल पा रहा था। इसलिए जब मैंने शतक लगाया और उसे बड़ी पारी में तब्दील किया तो फिर उससे मुझे काफी सुकून मिला और वो एक्साइटमेंट दोबारा वापस आ गया। मेरे अंदर माइलस्टोन हासिल करने को लेकर कोई बेताबी नहीं है, मैं जो कर रहा हूँ वो करते रहना चाहता हूँ। आपको बता दें, विराट कोहली ने तीनों फॉर्मेट मिलाकर 75 शतक लगाए हैं। टेस्ट में 28 के अलावा T20 में 1 और वनडे में उनके नाम 46 शतक हैं। 75 इंटरनेशनल शतक के मुकाम तक पहुंचने में उन्होंने 552 पारियां ली हैं और सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ा था जिन्होंने 566वीं पारी में 75वां इंटरनेशनल शतक ठोका था।